hello students welcome back in hort 211 production technology for vegetables and spices lecture 22 cauliflower cultivation in this lecture i will cover all culture practices related to cauliflower like soil climate seed rate sowing time manure and fertilizer harvesting yield इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूलगोभी भी कह देते हैं और कुछ क्षेत्रों में से फूल कापी के नाम से भी जाना जाता है बोट निकालने ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी बोटराइटिस फैमिली क्रूसीफेरी जहाँ ब्रेसिकैसी भी कह देते हैं इसी फैमिली को क्रोमोजोम नंबर टू 18 एटीन मतलब इसके जो डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो अठारह होते हैं जितनी भी लगभग लग अपने मेन मेन कोल्ड क्रॉप है उनके अठारह ही होते हैं ओरिजन मेडिटेरियन रीजन भूमध्य सागरी क्षेत्र एडिबल पार्ट कार्ड जो इसका खाने योग्य भाग होता है फूल गोभी का वो कर्ड होता है कैबेज के अंदर जो पहला लेक्चर था इससे उसमें अपने हेड पड़ा था कि वो उसका खाने वाला बाग हेड होता है इसमें कर्ड होता है ठीक है ये वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव फेज है उस दोनों के भी मध्य की जो स्टेज होती है वो कर्डिंग या कर्ड कहलाती है वो स्टेज है एक होती है नोब जो नॉलखोल के अंदर अपने पड़ेंगे तीन कोल क्रॉप मेन है तो तीनों में एक में हेड दूसरे में इसमें कर्ड और नॉलखोल में अपने नोब खाते हैं ठीक है फ्रूट टाइप सिलिकुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कॉलीफ्लावर इज़ थर्मोसेंसिटिव क्रॉप जो फूल गोभी है थर्मोसेंसिटिव होती है मतलब इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है इसके जो प्रोडक्शन के अंदर इसकी जो किस्में होती हैं वो भी टेम्परेचर के अनुसार उगाई जाती हैं इसकी जो इंडियन किस्में हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे सहन करती हैं उसको लो पे नहीं उगाया जा सकता और जो लो टेम्परेचर वाली या सिंथेटिक स्नोवाल टाइप किस्में हैं उन किस्मों को कम तापमान पे ही उगाया जा सकता है और ज़्यादा तापमान पे ठीक है तो तापमान से संवेदनशील फसल है कॉलीफ्लावर इज़ ए लॉन्ग डे प्लांट जो कॉलीफ्लावर है ये दीर्घ दीप्ति फसल है मतलब इसे दिन की अवधि ज़्यादा चाहिए होती है कुछ जो भी अपनी इसकी स्नोफॉल टाइप है उनके लिए दिन की अवधि थोड़ी कम हो तो ज़्यादा बेटर है पर जो ऑल ओवर है वो लॉन्ग डे प्लांट है ये इट इज क्रॉस पोलिनेटेड जो कॉलीफ्लावर uh, है ये क्रॉस पोलिनेटेड होता है जो इसका परप्रा ये कह दो कि परप्रागित होती है ये फसल ठीक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी प्रजेंट इन कॉलीफ्लावर जो कॉलीफ्लावर है इसके अंदर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है मतलब जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं दोनों ही बाइबल होते हैं फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन करने के लिए पर जो पोलन्स होते हैं पोलन की जो जीनोटाइप होता है वो गवर्न करता है इस सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को ठीक रेस्पायरेशन रेट ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ वेरी हाई जो कॉलीफ्लावर है या फूल गोभी है इसकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है श्वसन दर बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता इंडिया 8.8 पॉइंट मैट्रिक टन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉलीफ्लावर इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना टेन मैट्रिक टन ठीक है बहुत सी किताबों में कॉलीफ्लावर को फर्स्ट रैंक में भी, भी बता रखा है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है पर जो तो 2018 का जो डाटा है उसके अनुसार ये सेकंड रैंक पे आता है तो चाइना का जो प्रोडक्शन है वो है 10.67 पॉइंट मैट्रिक टन और इंडिया का है 8.8 पॉइंट मैट्रिक टन कॉलीफ्लावर कर्डिंग इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ़ द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कॉलीफ्लावर की कर्डिंग स्टेज होती है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है मतलब दोनों के मध्य की जो इसकी कायिक वृद्धि है और जो प्रजनन वाली इसकी फेज होती है उन दोनों के मध्य की स्टेज होती है लेट और स्नोवाल टाइप वराइटीज़ हैल्फ ब्लाचिंग हैबिट सेल्फ ब्लाचिंग मैं ब्लांचिंग के बारे में बाद में बताऊंगा कि और जो स्नोफॉल टाइप होती हैं या पछेती किस्में होती हैं उनमें ब्लांचिंग अपने आप ब्लांचिंग हो जाती है फूल की उनमें ये हैबिट होती है उनकी आदत ही होती है कॉलीफ्लावर इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जैनसन फ्रॉम लंदन इन एटीन जो कॉलीफ्लावर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया गया था पहली बार लाया गया था अठारह के अंदर लाया गया था जो लंदन से डॉक्टर जैनसन लेके आए थे ठीक इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि, कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर तो मुगल पीरियड जो मुगल महाराजा थे उस टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर कॉलीफ्लावर वर्ड हैज़ ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कॉलिस मीनिंग कैबेज फ्लोरिस मीनिंग फ्लोवर बोट मीनिंग बर्डिंग इट इज़ आल्सो औरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज जो कॉलीफ्लावर है इसमें जो एक लैटिन शब्द कॉलिस से मिलकर बना है ठीक है जिसका मतलब कैबेज होता है गोभी होता है और फ्लैरिस मीन्स फ्लोवर फूल गोभी और बोट्राइटिस जो इसकी स्पीसीज़ है या ये कह लो कि इसकी वैरायटी है बोटराइटिस उसका मतलब होता है बडिंग तो ये वाइल्ड कैबेज से ओरिजिनेटेड है मतलब वाइल्ड कैबेज इसका भी पैतृक है जो वरेसिका ओलिया वराइटी सैलवेस्ट्रीज है वो इसका भी ओरिजिनेटेड है उसी से ओरिजिनेटेड है इसलिए ये भी एक क्रॉप कोल है ब्लांचिंग ब्लांचिंग इज ए टेक्निक टू शील्ड कर्ड फ्रॉम रिचिंग येलो शेड आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सोलर एंड अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी ब्लॉचिंग क्या होती है ब्लांचिंग एक तरीके की कह लो कि इसमें खुद को फूल को फूल होता है जो उसका गोभी का कर्ड होता है वो खुद को प्रोटेक्ट करता है सूर्य की रोशनी से मतलब अपने आप उसके जो पत्ते होते हैं उस कर्ड को कवर करके रखते हैं कि वो येलो ना हो जाए जब पीला ना पड़ जाए ठीक तो जो इसकी स्नोबॉल टाइप हैं जब पछेती किस्में उनमें तो सेल्फ ब्लाचिंग की हैबिट पाई जाती है पर जो अगेती किस्में होती हैं जहाँ स्नोबॉल टाइप नहीं है जहाँ इंडियन टाइप या ट्रॉपिकल टाइप है उनके अंदर ब्लॉचिंग करनी पड़ती है एक प्रैक्टिस है कल्चर प्रैक्टाइसिस है कि उनके पत्तों को ऊपर से बांध दिया जाता है कि जिससे कि वो कर्ड सीधा डायरेक्ट सोलर रेडिएशन या सोलर जो सूर्य की रोशनी है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए सीधा एक्सपोजर ना हो उसका तो वो ब्राउन होने से जहाँ कह लो कि येलो होने से बच जाए और इसके अलावा जो एंजाइम एक्टिविटी होती है उसके अंदर उसको भी वो चीज को अवरुद्ध कर देती है या चेक कर देती है ठीक स्कूपिंग इसके अंदर एक और भी ये कह लो कि कल्चर ऑपरेशन किया जाता है जब सीड प्रोडक्शन करना होता है तो स्कूपिंग उसमें क्या करते हैं कि जो फूल का सेंटर पार्ट होता है जो टर्मिनल बर्ड होती है उसकी ये कह लो कि जो जहाँ से वो सेंटर में बीच में से बढ़ रहा होता है दूसरी तो इसकी साइड ब्रांचे होती हैं और सेंटर में जो चीज होती है उस चीज को हटा दिया जाता है वहां से तोड़ दिया जाता है जिससे क्या होता है कि इसका एक स्पाइक सीधा निकलता है जैसे फ्लोवर स्टाक निकलता है ठीक है तो वैसे अगर जनरली उसको छोड़ दिया जाए मतलब अपने सोचे कि फूल गोभी पे अपने फूल पैदा करने हैं तो उस उसपे जा तो जिबरेलिक एसिड का स्प्रे करेंगे जिससे कि स्टॉक उसका बढ़ने लग जाए नहीं तो क्या करते हैं कि उसमें स्कूपिंग कर देते हैं उसका जो स्टॉक होता है अपने आप ही वो बढ़ने लग जाता है इससे क्या होता है क्या है कि जो जल्दी निकल आता है फ्लोवर स्टॉक जल्दी निकल आता है ठीक है स्कूपिंग क्या होती है वैसे रिमूवल ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ऑफ कर्ड फॉर द द इनिशिएशन फ्लोवर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर मतलब सीड प्रोडक्शन के लिए सेंटर से उसे काट देना कॉलीफ्लावर कंटेन 91.7 ग्राम मॉइस्चर 2.4 ग्राम प्रोटीन 4.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 0.11 मिलीग्राम विटामिन बी वन जीरो मिलीग्राम विटामिन बी टू नाइंटी विटामिन ए 3.6 मिलीग्राम विटामिन के एंड 60.00 मिलीग्राम विटामिन सी पर हंड्रेड ग्राम एडिबल पोर्शन जो फूल गोभी है फूल गोभी के अंदर इक्यानवे पॉइंट सात मिलीग्राम तो मॉइस्चर होता है नमी होती है टू पॉइंट फोर ग्राम प्रोटीन होता है फोर पॉइंट नाइन ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और जीरो मिलीग्राम विटामिन बी वन और जीरो पॉइंट वन जीरो मिलीग्राम विटामिन बी टू और नब्बे आई यू विटामिन ए होता है इसमें थर्ट थ्री पॉइंट सिक्स मिलीग्राम विटामिन के भी पाया जाता है और साठ मिलीग्राम इसमें विटामिन सी भी होता है इसका जो हंड्रेड ग्राम खाद्य भाग होता है उसके अनुसार एरिया एंड प्रोडक्शन जो लेटेस्ट डाटा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2018 का उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल का है फूलगोभी के अंदर तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो क्षेत्रफल है सेवनटी फोर पॉइंट फोर थ्री थाउजेंड हेक्टर और जो इससे प्रोडक्शन है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी नाइन पॉइंट फोर एट थाउजेंड मैट्रिक टन ठीक दूसरे नंबर पे आता है बिहार क्षेत्रवाइज सिक्सटी टू पॉइंट जीरो फोर थाउजेंड हेक्टर और जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो तीसरे नंबर का है

इसके अलावा ओडिशा में भी अच्छा प्रोडक्शन है हरियाणा है गुजरात है इनके अंदर भी जो कॉलीफ्लावर है इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है इसके अलावा जो टोटल इंडिया के अंदर प्रोडक्शन है और क्षेत्रफल है वो है क्षेत्रफल फोर हंड्रेड फिफ्टी टू पॉइंट फाइव नाइन थाउजेंड हेक्टर और जो प्रोडक्शन है इससे एट थाउजेंड मैट्रिक टन इंडिया के अंदर प्रोडक्शन है जहां ये कह लो कि प्रोडक्शन था 2018 के अंदर वैराइटीज इन इंडिया टू ग्रुप्स ऑफ कॉलीफ्लावर आर ग्रोन भारत के अंदर दो कॉलीफ्लावर के मेजर ग्रुप कल्टिवेटेड होते हैं उगाए जाते हैं एक तो होता है इंडियन जिनको ट्रॉपिकल टाइप भी कह देते हैं जो कि इंडिया के अंदर लगभग जो अस्सी साल कह लो ठीक है तब से उसमें डेवलपमेंट होने के बाद जैसे कि उसमें क्रॉस होने के बाद तैयार हुआ है इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेटेड है इस ग्रुप में जो खासियत क्या है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान या इससे अधिक तापमान को सहन कर सकता है या उसी पे इसको कल्टीवेट किया जाता है यानी कि जो अगेती किस्में होती हैं वो ज़्यादातर इंडियन या ट्रॉपिकल टाइप की होती हैं ठीक और ये टोलरेंट टू वाटर लॉगिंग और हीट यानी कि ये जो जल भराव कह लो जब खेत में पानी खड़ा रहता है ऐसी कंडीशन को भी सहन कर सकता है और ज़्यादा तापमान जहाँ गर्मी को भी सहन कर सकती हैं ऐसी किस्में ठीक है जो इंडियन और ट्रॉपिकल टाइप होती हैं दूसरी किस्में हैं इसकी टेम्परेट टाइप या स्नोवॉल टाइप जो स्नोवॉल टाइप जहाँ टेम्परेट टाइप है इन्हें इरफोर्ट भी बोल देते हैं इसका एक नाम है ठीक है इस ग्रुप में क्या होता है कि ये 10 से 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो रहता है उसे ज़्यादा उस पर ज़्यादा ये कल्टिवेट होती हैं अगर जैसे बीस डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो इनका जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है रुक जाती है और इसके अलावा ये हीट से सेंसिटिव होती हैं संवेदनशील होती हैं मतलब हीट ज़्यादा इनके लिए नुकसानदायक होती है इसकी जो किस्में हैं इंट्रोडक्शन से डेवलप्ड है इम्प्रूवड जापानीज फिर है सेलेक्शन से जो इसकी किस्में तैयार हैं पूसा हिम ज्योति ये हिली एरियाज़ के अंदर अप्रैल जुलाई के अंदर उगाने के लिए सुटेबल किस्म है और इस, इसमें सेल्फ ब्लांचिंग की हैबिट होती है मतलब अपने आप ही इसका जो फूल होता है ऊपर से कवर हो जाता है ब्लांचिंग हो जाती है उसकी इसके अलावा पूसा स्नोबॉल के वन है ये ब्लैक रॉट और कर्ड एंड इनफ्लोरेसेंस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है इसके अलावा पूसा कीतकी है पूसा दीपाली पूसा अग्नि पंत गोभी फोर पंत सुब्रा इसके अलावा पूसा सुब्रा ये भी ब्लैक रोड कर्ड एंड इन्फ्लुसेंस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है इसके अलावा पूसा हाइब्रिड टू कैंडिड चारम ये इसकी किस्में हैं इसके अलावा वाइट फ्लैश कैश मोर हिमानी नाथ श्वेता अर्ली हिमलता नाथ उज्ज्वला ये कुछ इसकी प्राइवेट सेक्टर से निकली हुई है इसके अलावा पूसा स्नोवाल के टू एस ठीक ये स्क्लोरोटरी स्क्लेरोटोरिया रोट रेजिस्टेंट किस्म है ठीक पूसा अर्ली सिंथेटिक जो सिंथेटिक है पूसा अर्ली सिंथेटिक पूसा सिंथेटिक पंत गोभी थ्री सिंथेटिक इसमें मैंने पहले भी बताया था कैबेज के अंदर क्या होती हैं कि जो ऐसी इन ब्रीड लाइन व एक जहाँ एक से अधिक सॉरी एक नहीं एक से अधिक ऐसी इन ब्रीड लाइन जो जिनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है ऐसी किस्मों का मिश्रण होता है ठीक वो आ, उसे एक सिंथेटिक वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है अर्ली वैरायटीज अर्ली कुवारी अर्ली पटना पूसा अर्ली सिंथेटिक पूसा दीपाली पूसा केतकी पंत गोभी टू पंत गोभी थ्री ये इसकी अगेती किस्में हैं मतलब आगे इसको बाद में तीन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है अर्ली जो मध्यम और पछे पछेती पचेत, किस्मों के अंदर इम्प्रूवड जापानीज पूसा सुब्रा पंत सुब्रा पूसा शरद पूसा अग्नि पूसा हाइब्रिड ये इसकी मध्यम किस्में हैं पूसा स्नोवाल वन पूसा स्नोवाल टू पूसा स्नोवाल के वन ये इसकी पछेती किस्में हैं इसके बाद क्लाइमेट कॉलीफ्लावर रिक्वायर ए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो कॉलीफ्लावर है इसे ठंडे और नम वातावरण की आवश्यकता होती है इसके अच्छे ये कह लो कि विकास के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए द ऑप्टियम टेम्परेचर इज़ फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस विद द मैक्सिमम एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस विद द मिनिमम ऑफ नाइन डिग्री सेल्सियस जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके प्रोडक्शन के लिए वो पंद्रह से बीस डिग्री सेल्सियस का होता है और इसमें भी पच्चीस डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट होना चाहिए मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और लो टेम्परेचर भी नाइन डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए मतलब नौ डिग्री से सॉरी नौ डिग्री से कम नहीं होना चाहिए ठीक ट्रॉपिकल और इंडियन वरायटीज ग्रोन एर्यर रिक्वायर ए हायर टेम्परेचर एंड लॉन्ग डे कंडीशन वे स्नोवॉल टाइप ए और लेट रिक्वायर लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वराइटीज एंड परफॉर्म बेटर द डे आर रिलेटिवली शॉर्ट जो ट्रॉपिकल और इंडियन वरायटीज होती हैं उन्हें ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, है स्नोवाल टाइप की तुलना में अगर लॉन्ग डे कंडीशन रहे लघु दीर्घ दीप्ति काल रहे तो और भी ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए जबकि जो स्नोवाल टाइप हैं ये जो ट्रॉपिकल वैराइटीज़ हैं उनसे कम तापमान पे तापमान पे उगाई जाती हैं और साथ में ये जो शॉर्ट डे वाली कंडीशंस रहती हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं सोयल कॉलीफ्लावर इज़ ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सोयल बट लोमी सॉयल डीप वेल ड्रेंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज़ गुड कॉलिफ्राम को ज़्यादातर ये कह लो कि वैसे तो हर मिट्टी में कल्टिवेटेड किया जा सकता है परंतु तो इसके लिए जो लोमी सॉयल होती है जो ये कह लो कि दोमट मिट्टी इसकी कल्टिवेशन के लिए उत्तम रहती है जो कि अच्छी गहरी हो अच्छे जल निकास वाली हो और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे भरपूर हो द एवरेज सॉइल पी एच रेंज ऑफ फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट सिक्स जो सोयल का पीएच रेंज है वो पाँच पॉइंट पाँच से छः पॉइंट छः के बीच में रहनी चाहिए कॉलीफ्लावर इज सेंसिटिव टू हाईली एसिटिक सोयल्स जो कॉलीफ्लावर है वो जो अम्लीय मिट्टी होती है उससे बहुत ही ये कह लो कि संवेदनशील फसल होती है मतलब इसको एसिडिक सोयल के अंदर कल्टीवेट नहीं करना चाहिए अगर ऐसी मिट्टी है तो उसमें पहले चूना डाल के उसे सुधारना चाहिए लाइम डालकर उसको करनी चाहिए time and seed rate, जो इसकी किस्में उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है अर्ली मिड और लेट जो अर्ली किस्में हैं उन्हें मिड मई से जून के अंदर बीज की बुआई की जाती है मई से जून के अंदर उसमें बीज बो दिए जाते हैं नर्सरी में और लगभग एक महीने बाद ठीक है उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है जुलाई के अंदर उसकी लगभग ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं मेन फील्ड में इसके लिए लगभग पाँच सौ से छः सौ ग्राम पर हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है और जो मिड वराइटीज़ हैं ये जुलाई से अगस्त के अंदर इनकी पोत तैयार करते हैं पहले फिर सितंबर के अंदर इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मेन फील्ड में और 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है एक हेक्टर के लिए लेट किस्में हैं जो भी इसकी बिड सितंबर टू तो अक्टूबर के अंदर इसकी पहले पोत तैयार करते हैं यानी कि जो स्नोवर्ल्ट टाइप किस्म है हैं और इसकी नवंबर के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मेन फील्ड के अंदर और साढ़े तीन सौ से चार सौ ग्राम बीज की आवश्यकता होती है एक हेक्टर की प्लांटिंग के लिए सीड ट्रीटमेंट सीड बिफोर सोइंग सीड्स इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम सीड बोर्न डिजीजेज इसमें बहुत सी बीमारियाँ हैं जो सीड बोर्न और सोयल बोर्न होती हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सीड बोर्न बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए बीजों को पचास डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के अंदर तीस मिनट तक डुबा के रखा जाता है मतलब उससे ट्रीट किया जाता है उपचारित किया जाता है फिर उसके बाद बुआई करते हैं इसके अलावा बीजों को दो से तीन ग्राम पर केजी बीज बीज के हिसाब से थायरम या कैप्टॉन से भी ट्रीट करके बोना चाहिए जो जैसे डैम्पिंग ऑफ है इसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है फील्ड में फिर नर्सरी में कम आएगी सोइंग सीड्स इज सोन इन एन राइज नर्सरी बेड बिफोर सोइंग नर्सरी बेड सोयल शुड बी स्टेलाइज विद फॉर्मेलिटी है इसकी जो आ, नर्सरी की तैयार की जाती है वो उठी हुई क्यारियों में की जाती है पंद्रह सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में ठीक है और इसमें जो बुआई करने से पहले यानी कि बीज बोने से पहले नर्सरी बेड के अंदर उसकी जो मिट्टी होती है उसे स्टरलाइज कर कर लिया जाता है फॉर्मेलिटी से मतलब फॉर्मेलिटी का फोर परसेंट का जो सॉल्यूशन होता है उसका नर्सरी के ऊपर बेड के ऊपर स्प्रे किया उसके बाद उसे ब्लैक पॉलीथीन कवर थोड़ी देर सॉरी ये मान लो कि चौबीस घंटे के लिए उसे ब्लैक पॉलीथीन से कवर करके रख दिया जिस जो कि फॉर्मेलिटी से फ्यूम्स निकलेंगे जो कि जितने भी उसमें बैक्टीरिया है वायरस हम सबको वो ख़त्म कर देगी उसके बाद जनरली सीड्स आर ब्रोडकास्टेड ऑन नर्सरी बेड उसके बाद जो बीज होते हैं ऊपर वाली जो मिट्टी होती है नर्सरी सीड बेड की कैरी की तो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं और ऊपर से एक पतली सी गोबर की खाद की या फिर कंपोस्ट की लेयर बिछा दी जाती है कि सीड अंदर डक जाए और उसके बाद इन्हें जो नर्सरी बेड है उसके ऊपर सूखी हुई घास पुआल ये डाल दी जाती है जिससे कि उसमें एक तो मॉइस्चर बना रहे नर्सरी बेड के अंदर ठीक है एक तरीके से मल्चिंग कर देते हैं उसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए फील्ड प्रिपरेशन तीन से चार बार खेत को हल से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और इसके बाद उसमें बीस से पच्चीस टन पर हैक्टर एफ वाई एम जब गोबर की खाद कह लो उसे डाल देना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग फोर टू सिक्स वीक्स आफ्टर सोइंग लगभग एक से डेढ़ महीने के बाद जब पौध लगभग तीन चार पत्ते निकले आते हैं तो उसे मेन फील्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए प्लांटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज डन ऑन द फ्लैट एज वेल एज ऑन रीजेज जो प्लांटिंग की जाती है कॉलीफ्लावर की वो सिंपल क्यारियों में भी की जाती हैं और मेढे बनाकर भी की जाती हैं इसमें लगभग वही जैसे कैबेज के, के अंदर स्पेसिंग रखी थी लगभग साठ सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है लाइन से लाइन की और पैंतालीस सेंटीमीटर लगभग जो पौधे से पौधे की और इसमें भी जो लेट फसलें होती हैं उन्हें ज़्यादा स्पेसिंग पे उगाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं ठंडे मौसम में ज़्यादा सर्वाइव करती हैं ठीक है थीके? ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है मतलब ज़्यादा फैलाव लेती हैं और इस जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग कर दें उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए मैन्यर एंड फर्टिलाइजर जनरली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टन पर एफ वाई एम शुड बी एडेड अलॉन्ग विद फुल डोज ऑफ फास्फोरस और पोटाश एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन लगभग जो उसकी रिकमेंडेड डोज है फास्फोरस और पोटाश की उसकी फुल डोज और साथ में जो गोबर की खाद है उसे खेत की तैयारी के समय जहाँ जो कह लो कि लास्ट जुताई कर रहे होते हैं बिजाई से पहले तो उस समय उस खेत में मिला देनी चाहिए इन अर्ली क्रॉप नाइट्रोजन इज गिवन इन टू स्प्लिट्स जो अगेती किस्में होती हैं उनमें नाइट्रोजन दो स्प्लिट के अंदर दिया जाता है मतलब एक तो उसी टाइम बुआई के टाइम आधी मात्रा और आधी मात्रा उसकी जो तीस दिन बाद इन मिड और लेट वराइटीज़ नाइट्रोजन गिवन इन थ्री स्प्लिट्स एट द फर्स्ट डोज एट द टाइम ऑफ सोइंग सेकेंड जो वन थर्ड डोज ऑफ नाइट्रोजन फिफ्टीन डेज आफ्टर सोइंग एंड लास्ट वन थर्ड डोज ऑफ नाइट्रोजन फोर्टी फाइव फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग इसमें तीन स्प्लिट के अंदर मतलब तीन भागों में डिवाइड कर ली जाती है पहला जो सोइंग के समय ही दे देते हैं दूसरी पंद्रह दिन बाद दी जाती है और तीसरी जो लास्ट डोज है वो चालीस से पैंतालीस दिन बाद फसल सोइंग के जहाँ कह लो ट्रांसप्लांटिंग के 40 से 45 दिन बाद खेत में दी जाती है इन मीडियम फर्टाइल सोयल रिक्वायर अबाउट 60 टू 150 फिफ्टी नाइट्रोजन लगभग साठ से 150 किलो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अनुसार नाइट्रोजन दी जाती है अस् पचास से अस्सी किलो फास्फोरस पर हेक्टर, साठ से एक सौ बीस किलो पर हेक्टर पोटाश, ठीक सम टाइम कॉलीफ्लावर शो माइक्रोन्यूटेंट डेफिशेंसी बोरॉन मोलीडियम मोलीबेडम मैग्नीशियम एक्सेट्रा सो टू बी कॉरेक्ट बोरॉन डेफिशेंसी टेन टू फिफ्टीन के जी बोरेक्स पर हेक्टर शुड बी एडेड टू वीक बिफोर द कार्ड फॉर्मेशन टू द सोइल लगभग दो सप्ताह पहले जब उसका फूल बनने वाला होता है गोभी का उससे पहले दस से पंद्रह किलो जो बोरेक्स है उसको खेत में मिला देना चाहिए इसके अलावा बोरेक्स का स्प्रे भी जीरो पॉइंट वन परसेंट का काफ़ी इफेक्टिव रहता है बोरोन की कमी को कम करने के लिए जिसके कारण जो ब्राउनिंग है और ऐसे डिसऑर्डर होते हैं उससे बचाव हो जाता है इसके अलावा टू पॉइंट फाइव से फाइव के जी पर हेक्टर सोडियम मोलिबेट और या फिर इसके अलावा इसकी फोलियर स्प्रे जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का वो भी काफ़ी हेल्पफुल है जो मोलिडेनम डेफिशेंसी होती है उसकी पूर्ति के लिए फिर है सिंचाई इरिगेशन। इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इरिगेट द क्रॉप जैसे ही आपने पौध का रोपण कर दिया उसके बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए ड्यू टू मानसून सीजन अर्ली एंड मिस सीजन क्रॉप रिक्वायर ओनली प्रोडक्टिव इरिगेशन क्योंकि जिस समय अपने अगेती और मध्यम किस्में उगरे उगाड़े होते हैं यानी कि जून जुलाई के अंदर उस समय रेनफॉल जब मानसून का टाइम होता है तो बरसात अपने आप ही हो रही होती है तो उस समय तो अगर बरसात नहीं हो तो फसल को बचाने के लिए सिंचाई की जाती है प्रोटेक्टिव इरिगेशन किया जाता है द कॉलीफ्लावर इज़ रिक्वायर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ऑफ इन देयर एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड जो कॉलीफ्लावर है इसे लगभग इसके खेत में नमी बनी रहनी चाहिए जो इसकी पूरी ग्रोथ का जहाँ डेवलपमेंट विकास का समय होता है उस समय द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड फोर टू फाइव डेज इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द मानसून शॉवर जो फसल है इसे लगभग चार से पाँच दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है अगर अपने मानसून शॉवर जो बरसा, बरसात हो रही होती है उसके अनुसार अगर जरूरत है तो इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल एज कॉलीफ्लावर इज शैलो रूटेड क्रॉप सो फ्रिक्वेंट शैलो कल्टिवेशन शुड बी गिवन टू द दॉयल टू किल द दीड्स एंड प्रोवाइड सोयल मल्च द करोप शुड भी अर्थन अप आफ्टर थर्टी टू फोर्टी डेज आफ्टर ट्रांसप्लान सम हर्बिसाइड्स आर आल्सो यूज टू कंट्रोल वीट पॉपुलेशन लाइक प्री इमरजेंस स्प्रे ऑफ ऑक्सी फ्लोरोफेन जीरो पॉइंट टू फाइव के जी पर हैक्टर वन डे बिफोर ट्रांसप्लाटिंग इसके अलावा फ्लूक्लोरिन है जीरोट द रेट वन पॉइंट टू के जी पर हैक्टर और एलाक्लोर एट द रेट टू पॉइंट फाइव फिफ्टी के जी पर हैल्सो इफेक्टिव जो ये सोच लो कि एक तो कॉलीफ्लावर है ये शेलो रूटेड होती है मतलब उथली जड़ वाली फसल है तो इसमें थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर ये कह लो दो तीन सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है जिससे कि एक तो मिट्टी में मल्चिंग हो जाए ठीक है और साथ में जो वीड है वो खत्म हो जाए इसके अलावा जो तीस से चालीस दिन बाद इसमें पौधों के साथ जड़ों के साथ में मिट्टी भी चढ़ानी चढ़ाई जाती है ठीक है और इसके अलावा कुछ हर्बिसाइड्स भी हैं जैसे प्री इमरजेंस में ऑक्सी फ्लोक्लो है इसका भी स्प्रे किया जा सकता है इसके अलावा फ्लूक्लोरिन है एला क्लोर है इससे भी इसकी जो वीड पॉपुलेशन है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है ये डाले जा सकते हैं हार्वेस्टिंग व्हेन कर्ड अटैन फुल साइज वाइट कलर्ड एंड कॉम्पैक्ट इट इज़ हार्वेस्टेड जब उसका फूल होता है जहाँ ये कैलो फूल फूलगोपी का कर्ड होता है उसे पूरा साइज ले लेता है और वाइट वाइट कलर का होता है और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होता है गुथा हुआ होता है तो उसको काट लेना चाहिए ठीक नहीं तो अगर, अगर अपने इसमें देरी करते हैं तो उसका जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है और साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है इसके जो हार्ड कर्ड बनता है वो एक साथ पूरा का पूरा खेत में ऐसे नहीं कि सारे के सारे कर्ड एक साथ ही हार्वेस्ट किए जा सके क्योंकि एक साथ इसमें मैच्योरिटी नहीं होती तो इसलिए दो या तीन दिन के अंतराल पर इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब जो फूल पूरा साइज ले लिया है उसे तोड़ लेते हैं और दूसरे उस फील्ड में पड़े रहने देते हैं फिर दूसरे दो दिन बाद फिर उनको तोड़ा जाता है और इसमें जो तोड़ने का तरीका है क्या है कि जो पूरा का पूरा फूल होता है उसको नीचे से जड़ के पास से काट लिया जाता है ज़मीन से चक्कू या फिर जो सिक्के दराती होती है उससे ठीक है तो उसके बाद जो उसके नीचे वाले पत्ते होते हैं उनको उतार दिया जाता है उपज द ईल्ड ऑफ कॉलीफ्लावर बेरीज ऑन द सीज़न एंड वरायटी जो कॉलीफ्लावर है इसकी जो किस्म है वो सीजन और वैरायटी के अनुसार अलग अलग होती है एंड एवरेज ईल्ड ऑफ कॉलीफ्लावर इज फ्रॉम अर्ली वराइटीज़ ट्वेल्व टू फिफ्टीन टन पर हैक्टर जो इसकी अगेती किस्मों से उपज है कॉलीफ्लावर के वो लगभग बारह से पंद्रह टन के आसपास हो जाती है पर हैक्टर और मिड और लेट वराइटी से थोड़ी ज़्यादा होती है बीस से तीस टन पर परक्टर तक उपज मिल जाती है पचेती किस्मों से ठीक इसके बाद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहला है ब्राउनिंग इसमें दिस डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर ड्यू टू लैक ऑफ बोरोन ठीक है जी ज़्यादातर बोरोन की कमी के कारण होता है इन दिस वाटर सॉक्ट ब्राउन स्पोर्ट आर फॉर्म ऑन द स्टेम एंड द सरफेस ऑफ द कर जो सरफेस होती है या तना होता है उसके ऊपर एक वाटर सॉक्ट दिखाई देता है स्पोर्ट दिखाई देने लग जाता है इसके अलावा जो उसके अंदर का ये कह लो कि स्टेम होता है वो अंदर से हॉलो हो जाता है थोत् हो जाता है या जा खोखला हो जाता है थी? इसके अलावा पत्तियों का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है उसकी थिकनेस होती है पत्तियों की मोटाई होती है वो भी चेंज हो जाती है इसके अलावा पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं ये इसके काफ़ी अर्ली सिम्टम्स हैं ठीक है थीके? तो मैनेजमेंट क्या है एक तो बिफोर स्विमिंग टेन टू फिफ्टीन के जी पर हेक्टर बोरेक्स और सोडियम बोरेट शुड बी एडेड इन द एसिटिक सोइल्स जो एसिटिक मिट्टी होती है उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी रहती है इसलिए उसमें 10 से 15 किलो पर हेक्टर बोरेक्स या फिर सोडियम बोरेट को मिट्टी में मिलाना चाहिए बुआई से पहले फोलियर स्प्रे ऑफ 0.25 से 0.50 परसेंट बोरेक्स इज आल्सो इफेक्टिव इसके अलावा बोरेक्स का फोलियर स्प्रे या पर्णीय छिड़काव भी किया जा सकता है ठीक सेकेंड इसमें डिसऑर्डर है विपटेल विपटेल में क्या होता है कि यह मोलीबनेम डेफिशिएंसी के कारण होता है द लीफ ब्लेड्स डू नॉट डेवलप प्रॉपरली जो लीफ ब्लेड्स होते हैं जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं पत्ते जो उसके ऊपर लगे रहते हैं एक मिड रिप मिड रिप होती है वो तो डेवलप होती है पर उसके ऊपर जो पत्ते बनते हैं वो ढंग से नहीं बनते और जो बनते भी हैं वो इरेगुलर और लेदरी होते हैं मतलब थोड़े मोटे और जिनकी कोई शेप नहीं हो ऐसे द डिसऑर्डर इज फाउंड इन एसेटिक सोयल वेयर इज ए डेफिशेंसी ऑफ मोलीबेनियम ज़्यादातर ये एसेटिक मिट्टी में होता है जहाँ पे मोलीबेनियम की कमी रहती है तो इसका कंट्रोल क्या है अप्लाई वन के जी पर हेक्टर ऑफ सोडियम और अमोनियम मोलीबेट सोडियम मोलिबिडेट या अमोनियम मोलीबेट वन के जी पर हेक्टर के हिसाब से डालना चाहिए इसके अलावा फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं जीरो पॉइंट वन परसेंट अमोलियम मोलिबेट इसके अलावा बिफोर सोइंग एड लाइम इन एसिटिक सोयल टू ब्रिंगिंग पी एच सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव जो पी एच को छ से साढ़े छः के आसपास लाने के लिए मिट्टी के अंदर चूना डालना चाहिए तीसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें बटनी बटनिंग क्या होता है कि जो कर्ड होता है जहाँ फूल होता है वो छोटे से साइज का बनता है स्मॉल साइज का बनता है मतलब बहुत ज्यादा वो बाद में ग्रोथ नहीं करता ठीक तो उस चीज को बटन कह देते हैं कि भाई बटन कितना छोटा सा फूल बना हुआ है बाद में भी वो ग्रोथ नहीं करता उसके बाद उसमें बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब उसमें पूरे इंटायर लाइफ में वो छोटा सा बनकर ही रहता है उसका कारण क्या होता है पहला तो नाइट्रोजन डेफिशेंसी इन द फील्ड जो आपका खेत है उसमें नाइट्रोजन uh, की कमी होना दूसरा है सोइंग अर्ली वराइटीज इन लेट सीजन जो अगेती किस्में हैं उनको लेट सीजन के अंदर मतलब पछेते मौसम के अंदर बाद में बुआई करना उनकी जब उनका टाइम नहीं है ठीक क्योंकि जो अगेती किस्में होती हैं उनको ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है अगर उनको कम तापमान पे उगाया जाएगा तो उसमें बटनिंग हो सकती है इसके अलावा सोइंग अर्ली वरायटीज इन लो टेम्परेचर सेम कंडीशन इसके बाद पूरा फैसिलिटीज जो जल निकासी की व्यवस्था होती है उसका कमजोर होना कह लो आ, अच्छी ना होने के कारण भी कई बार बटनिंग होती है इसके अलावा प्लांटिंग ऑफ ओल्ड सीडलिंग्स जो पुरानी पौध होती है मतलब थोड़ी ज़्यादा हाइट ले लेती है जब बड़ी हो जाती है काफ़ी टाइम तक नर्सरी बेड में खड़ी रहने के बाद अपने बहुत बड़ी बड़ी होगी उसको फील्ड में लगा दिया तो भी कई बार बटनिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब ज़्यादा बड़े फूल नहीं बनते तो मैनेजमेंट क्या है रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड ठीक जो भी रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की उतनी खेत में डालनी चाहिए इसके अलावा फील्ड शुड बी वेल ड्रेन जो फील्ड है उसके अंदर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए अवॉइड प्लांटिंग ऑफ ओल्ड सीलिंग्स जो आ, पुरानी पौध है मतलब जो दो या तीन महीने के क्या कह लो कि दो महीने पुरानी कह लो कि अपने ज़्यादातर एक से डेढ़ महीने वाली जो पौध होते हैं उसको तो प्लांटिंग करते हैं अगर वो ज़्यादा पुरानी हो जाए लगभग तीन महीने के आसपास की हो जाए तो उसको प्लांटिंग करेंगे तो उससे अपने कर्ड बटनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसलिए उसे अवॉइड करना चाहिए उसे नहीं लगाना चाहिए अवॉइड प्लांटिंग ऑफ अर्ली वराइटीज इन लेट सीजन और लो टेम्परेचर जो आ, प्रा, आ, अगेती किस्में होती हैं उनको पछेते सीजन के अंदर ये कह लो ठीक है प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए या फिर कम तापमान में उनको नहीं उगाना चाहिए नेक्स्ट डिसऑर्डर है ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस क्या होती है कि जो टर्मिनल कली होती है पूरे ग्रोविंग पीरियड के अंदर वो नहीं बनती द प्लांट लीव्स आर लेदरी एंड डार्क ग्रीन और जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती हैं थोड़ी लेदरी और उसके साथ में डार्क हो जाती हैं गहरे हरे कलर की हो जाती हैं ये कारण क्या होता है कि एक तो ड्यू टू फॉरेस्ट पहाड़े के कारण जो मेन टर्मिनल कली होती है वो ग्रोथ नहीं करती दूसरा है डैमेज टर्मिनल बर्ड ड्यू टू इम प्रॉपर हैंडलिंग जब उसकी अपने प्लांटिंग कर रहे होते हैं या निराई गुड़ाई करते हैं तो उसकी जो टर्मिनल कली है मेन पॉइंट है ग्रोविंग पॉइंट वो टूट जाता है जब उसको नुकसान हो जाता है तो भी उसके कारण कर्ड नहीं बनता उसके ऊपर फूल नहीं बनता इसके अलावा टर्मिनल बर्ड इंजर्ड बाय इंसेक्ट और पेस्ट जो टर्मिनल कली है कोई इंसेक्ट खा गया या उसके ऊपर कोई बीमारी लग गई जिसके कारण शुरुआत के अंदर ही ठीक है शुरुआत के अंदर ही अगर कोई बीमारी लगी इंसेक्ट खा गया या जा किसी यांत्रिक विधि यंत्र क... से और टूट गई या क्षतिग्रस्त हो गई तो उसके ऊपर कर्ड नहीं बनता उसके अलावा मैनेजमेंट क्या है प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम लो टेम्परेचर जो पौधा है उसे कम तापमान से बचाना चाहिए इसके अलावा प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल और इंसेक्ट पेस्ट इंजरी एट द इनिशियल स्टेज जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था होती है उस समय पौधे को जो मैकेनिकल इंजरी यांत्रिक क्षति होती है उससे या फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट की इंजरी है उससे बचाना चाहिए मतलब वो टर्मिनल बर्ड को नुकसान ना पहुंचाए। फिफ्थ इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है होलोस्टेम होलो स्टेम क्या होता है कॉलीफ्लावर स्टेम एंड फ्लोवर्स आर होलो इंटरनली वैन कट जो उसका अंदर से तना होता है वो अंदर से खोखला रह जाता है ठीक जैसे पिक्चर में शो हो रहा होगा ठीक है अंदर से ये पूरा का पूरा खोखला रह जाता है तो कारण क्या हो सकता है ड्यू टू हाई नाइट्रोजन इन द फील्ड मैंने पहले बताया था कि एक बटनिंग जो कम नाइट्रोजन के कारण होता है और ये है कि हाई नाइट्रोजन अगर ज्यादा फील्ड में नाइट्रोजन है उसके कारण होता है तो इसका कंट्रोल क्या है कि जो रिकमेंडेड नाइट्रोजन की उतनी ही फील्ड में डालो ना तो ज्यादा ना कम हॉलोस्टे मतलब अंदर से खोखला हो जाना तने का फिर नेक्स्ट है क्लोरोसिस क्वालिफ्लावर प्लांट शो क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स एंड वेन्स व्हेन इट इज कल्टीवेटेड इन एसेटिक सोयल्स जो पौधे की पुरानी पत्तियाँ होती हैं और नसें होती हैं या शिराएँ होती हैं वो क्लोरोसिस शो करती हैं क्लोरोसिस मतलब येलो कलर कह लो कि क्लोरोफिल कंटेंट का लेस हो जाना कम हो जाना वो कम हो जाता है उसमें तो जिसके कारण पत्तियाँ पीले रंग की दिखाई देती हैं कॉलीफ्लावर इज ए हैवी फीडर ऑफ मैग्नीशियम एंड इट इज अन अवेलेबल इन एसिटिक सोयस और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन घटक है ठीक है तो वो उसकी कमी हो जाती है पत्तियों में जिस जो कि एसिडिक सॉयल के अंदर अम्लीय मिट्टियों के अंदर तो मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधे के अंदर पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं उसकी जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं जहाँ उसकी शीराएँ होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं लीव्स ऑफ कॉलीफ्लावर टर्न लाइट ग्रीन टू येलो ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशेंसी ठीक तो इसका कंट्रोल uh, क्या है मैनेजमेंट क्या है अवॉइड कल्टिवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर इन एसिटिक सॉयल्स जो एसिडिक सोइल्स है अमलिया मिट्टी है उसमें कॉलीफ्लावर की फूल गोभी की खेती नहीं करनी चाहिए दूसरा है बिफोर सोइंग एड्स लाइम इन एसिडिक सोयल टू ब्रिंगिंग पी एच सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव अगर अपने पास एसिडिक सोयल ही है कल्टिवेट करने के लिए तो पहले मिट्टी में चूना मिलाओ जिससे कि उसका पी एच बढ़ जाए इसके अलावा थ्री हंड्रेड के जी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्स इन द सोयल एट द टाइम ऑफ़ फील्ड इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उस तीन किलो पर हेक्टर की दर से खेत की तैयारी के समय खेत में मिलाओ इसके बाद नेक्स्ट है फुजीनेस फ्लोवर पेडिकल्स पैडिक, आर एंड लाज एंड ड्यू टू तो दिस कर्ड लुक्स लाइक फुजी जो ये कह लो कि शायद व्रंत ही कहते हैं पुष्प व्रंथ कह लो जो फूल के नीचे के जो तने होते हैं छोटे छुट छोटे जिनसे वो मेन स्टेम से जुड़ा रहता है वो तने थोड़े जो जो पेडिकल्स होते हैं हैं वो वो बड़े हो जाते हैं। ठीक जिसके कारण फूल होता है कॉम्पैक्ट नहीं बन पाता एक लेवल के अंदर नहीं बनता और कॉम्पैक्ट नहीं बनता ऐसे लगता है जैसे बोल्टिंग स्टार्ट हो रही हो ठीक है मतलब उसमें पुष्प बनने स्टार्ट होकर उसके ऊपर फलियां बनेंगी ऐसा तो मतलब एक जैसा नहीं बनता और दिस डिसऑर्डर ड्यू टू वराइटीज ऑफ कॉलीफ्लावर ये डिसऑर्डर तब होता है जब अपने किस्मों का सही चुनाव नहीं करते मतलब लेट किस्म को लेट टाइम में उगाना चाहिए और अर्ली किस्म को अर्ली सीजन में ही उगाना चाहिए उसे लेट सीजन में नहीं उगाना चाहिए और ये जो डिसऑर्डर है भी होता है और नॉन हेडिडेटरी भी हो सकता है मतलब कुछ किस्मों में तो ये वंशागत होता है और कुछ में ये वंशागत नहीं होता तो कंट्रोल है वैरायटी शुड बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू टाइम अर्ली मिड लेट जो किस्में हैं उनको समय के अनुसार उगाना चाहिए ठीक है अगेती किस्में है, तो अगेती आ, उसके टाइम के अनुसार ही उगानी चाहिए अगर पछेती किस्म अपने उगानी है तो अपने पछेती किस्म का ही चुनाव करें फिर है राइसिनेस, राइसिनेस इसका मतलब ये है कि जो सरफेस होती है फूल की कर्ड की तो उसके ऊपर छोटे छोटे फूल से दिखाई देने लग जाते हैं लाइट से हल्के से ब्राउन कह लो क्रीमिश कलर के और व्हाइट कलर के दिखाई देने लग जाते हैं इसके अलावा पैडिंग जो पेडिक सेल्स होते हैं पेडिकल्स होते हैं सॉरी वो एनलार्ज होने लग जाते हैं वो भी फूल के एनलार्ज होते हैं इसमें भी और ऊपर से फूल वेलवेटी हो जाता है जैसे कोई ऊपर वेलवेट बिछाई हुई हो ठीक है कुछ वैसी हो जाती है और ये जो ऊपर फूल दिखाई देते हैं वाइट कलर के वो उन्हीं को राइसी कहते हैं मतलब वो एक राइस की तरह बाहर निकले हुए रहते हैं ठीक इसी की स्ट्रक्चर के से कह देते हैं। कारण क्या है एक तो फ्लुकेशन टेम्परेचर तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण कभी बहुत ज्यादा कम हो गया एकदम से एकदम से ज्यादा हो गया तो ये कंडीशन आ सकती है इसके अलावा एबनॉर्मल टेम्परेचर जितनी इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है मतलब बहुत ही नाइन डिग्री से कम चला गया जहाँ ट्वेंटी फाइव डिग्री से ज्यादा हो गया तो भी ये कंडीशन हो सकती है इसके अलावा हाई नोट नाइट्रोजन इन द फील्ड अगर खेत के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है तो भी ये समस्या आ सकती है और अधिक आदरता के अंदर हाई ह्यूमिडिटी के अंदर भी ये कंडीशन आ सकती है तो मैनेजमेंट क्या है एक तो वैरायटी टाइम के अनुसार ग्रो करो लेट तो लेट किस्म अर्ली उगानी है अगेती उगानी है तो अगेती किस्म रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड जो नाइट्रोजन की रिकमेंडेड डोज है उसे अप्लाई करना चाहिए नेक्स्ट डिसऑर्डर है लीफिनस कभी-कभी क्या होता है कि जो कर्ड है उसके अंदर छोटे-छोटे पत्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं फूल के अंदर ही ठीक जिसके कारण उसका ये कह लो कि कुछ कंडीशन तो आपकी जो मैंने पहले भी बताया था एक हाँ फ्यूजिनेस ठीक है फ्यूजिनेस वाली होती है और बीच में पत्तियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लोवर बनता है उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं और ये होता क्या है कि हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोविंग कॉज दिस डिसऑर्डर अगर तापमान ज़्यादा रहता है बुआई के समय तो ये डिसऑर्डर होता है और वैरायटी शुड बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू टाइम वही इसका भी मैनेजमेंट वही है कि किस्मों को टाइम के अनुसार ही उगाना चाहिए लेट है तो लेट नहीं तो अगेती उगानी है तो अगेती किस्म का ही चुनाव किया जाना चाहिए और इसमें है फिर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कैबेज और कॉलीफ्लावर के इंसेक्ट पेस्ट लगभग लगभग सेम है ठीक इसके में एक दो अलग है वो मैं आगे बताई दूंगा ठीक है इसमें है एक तो कैबेज और टर्नीप एफिड ठीक है ये ज़्यादातर क्या कहता है कि एक ग्रुप में दिखाई देता है तो ज़्यादातर जब लेट फसल होती है उसमें शो होता है जब सीड प्रोडक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है तो एक ग्रुप में दिखाई देता है और ये जैसे मिली बग एक हनी ड्यू एक्सट्रैक्ट करती है वैसे ही ये भी एक हनी ड्यू चिप सा पदार्थ पौधे के ऊपर छोड़ता है और ग्रुप कॉलोनी के अंदर दिखाई देता है कंट्रोल है मेलाथियोन और पैराथियोन का स्प्रे करना चाहिए नेक्स्ट है डायमंड ब्लैक मॉथ प्लूटेला uh, जाइलोस्टेला इसमें क्या होता है कि मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट है कैबेज का भी और वैसे ये कह लो कि कॉल क्रॉप्स का दिस इंसेक्ट पेस्ट फीड ऑन फोलियर टिश्यूज एक्सेप्ट लीफ वाइन्स मतलब जो पत्तियों की शिराओं को छोड़कर दूसरी सारी चीज़ों को पत्तियों को ये खा जाता है और इसके कारण जो पत्तियों पौधे की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है इसके अलावा पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है कंट्रोल है एक तो कि ट्रैप क्रॉप लगानी चाहिए मस्टर्ड को ठीक है जो सरसों हैं उसे ट्रैप क्रॉप के रूप में ग्रो करना चाहिए इसके अलावा नीम सीड कर्नल ऑयल का फोर परसेंट का स्प्रे भी काफ़ी लाभदायक रहता है कैबेज हेड बोरर और स्टेम बोरर हेलुला उन्डेलिस इसका जो कैटरपिलर होती है ये तने के अंदर पत्तियों के अंदर और जो हेड होता है जहाँ कर्ड होता है उसके अंदर छेद करके उसको कंजप्शन के लिए अनफिट बना देती मतलब खाने लायक नहीं छोड़ती तो स्प्रे है इसके लिए आ, फैन वाले रेट ट्वेंटी ई सी या साइपल मैथ्रीन या डेल्टा मैथरीन दो सौ पचास मिलीग्राम इसका आप स्प्रे कर सकते हो इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हो माइक्रो बैकून मैलस या फिर एपन लेटेड एपन टेलिस क्रोसी डोलमी जो एक स्पीसीज है एग पैरासाइट है इसका यूज कर सकते हो ठीक है इसके अलावा ग्राम कैटरपिलर है हेलिको वेरपा आर्मी जेरा ये बहुत से इंसेक्ट और भी इंसेक्ट सॉरी और भी बहुत सी फसलों को डैमेज करता है नुकसान पहुंचाता है तो कैटरपिलर ऑफ दिस इंसेक्ट बोर द फ्लोवर एंड मेक कर्ड अनफिट फॉर कंजप्शन ये भी इसका जो लारबी कंडीशन हो होती है वो फलों को जहाँ ये कर्ड को छेद कर उसे खाने लायक नहीं छोड़ती और कंट्रोल है इसका लिए कि जो भी फील्ड के अंदर इंसेक्ट दिखाई दे उसको पहले तो लार्वी को कलेक्ट कर लो और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दो एक काम तो ये कर सकते हो दूसरा है स्प्रे क्रोप विद एंडोसल्फान जीरो पॉइंट वन परसेंट एंडोसल्फान का वन परसेंट का फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए डिजीज़ के अंदर डैम्पिंग ऑफ वही नर्सरी के अंदर ज़्यादातर होती है कॉलर रीजन से पौधा गल जाता है नर्सरी बेड के ऊपर गिर जाता है कंट्रोल है एक तो बीज को ट्रीट करके बोना चाहिए किसी भी फंजी साइड से दूसरा है ड्रेंच जो नर्सरी बेड है उसके अंदर कैप्टॉन 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर के अंदर गोल बनाकर उस नर्सरी बेड को ड्रेंच करना चाहिए मतलब सिंचाई पानी के साथ देना चाहिए बिफोर स्वमिंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर मतलब बुआई से पहले बीजों को 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट के लिए उसको करना चाहिए इसके अलावा नर्सरी बेड शुड बी स्टेलाइज फॉर विद फार्मेल्टी हाइट बिफोर सोइंग नर्सरी बेड है उसे भी स्टेलाइज करना चाहिए फॉर्मेलिटी हाइट से बुआई से पहले इसके अलावा डाउनी मिल्यू पर्नोसपोरा पैरासिटिका डाउनी uh, मिल्यू जो पर्नोस्पोरस इसके कारण होती है इसमें क्या होता है कि जो पत्तियों की निचली सतह होती है वहाँ पे पर्पलिश ब्राउन कलर के स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो बाद में डार्क और संकट हो जाती हैं कंट्रोल है फॉलो क्रॉप रोटेशन कीप फील्ड वीड फ्री बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट इसके अलावा सीड शुड बी ट्रीटेड विद थायरम और कैप्टन ठीक है एक तो जो फसल चक्कर अपनाओ उसके अलावा हमेशा खेत वीड फ्री रखो इसके अलावा आप गर्म पानी से बीजों को उपचारित करके बो फिर उसके बाद बीजों को किसी भी फंजी साइड से दो से तीन ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए नेक्स्ट है ब्लैक लैग और ब्लैक रॉड जेंथोमनास कैंपेस्ट्रिस के कारण होती है दिस इनिशियल सिम्टम्स इज़ वी शेप्ड येलो लेसेंस ऑन द एज ऑफ लीव्स इसमें जो वी शेप इंग्लिश का वी शेप शब्द होता है उसके जैसे पत्तियों के किनारों पर सिम्टम शो होने लग जाते हैं जो बाद में डार्क कलर के हो जाते हैं ब्राउन कलर के हो जाते हैं इसके अलावा पत्तियों में माल फॉर्मेशन कह लो जब विकृति आ जाती है जो नसें होती हैं शिराएं होती हैं वो काली पड़ जाती हैं इसके अलावा पत्तियाँ बाद में सूख जाती हैं मर जाती हैं कंट्रोल है इसका एक तो बीज हमेशा हेल्दी पौधे से लेने चाहिए ठीक है हेल्दी बीजों को बोना चाहिए उसके अलावा बीजों को 50 डिग्री जो सेल्सियस गर्म पानी होता है उससे 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए इसके अलावा थायरम कैप्टॉन 3 ग्राम पर के जी सीड बिफोर सोइंग करनी चाहिए इसके अलावा फसल पर 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे भी लाभदायक रहता है नेक्स्ट है सॉफ्ट रोट इर्बीनिया क्रोटोवोरा ज़्यादातर जो ये सॉफ्ट रोट है ये ब्लैक रोट या मैकेनिकल इंजरी के बाद शो होता है यानी कि ब्लैक रोट हुआ जब ब्लैक लैग हुआ बीमारी उसके बाद जो उसके घाव होते हैं उनके ऊपर इस फंगस का अटैक होता है कंट्रोल है सीड शुड बी ट्रीटेड विद थायरम कैप्टॉन थ्री ग्राम पर के जी बी सीड बिफोर सोइंग इसके अलावा अवॉइड मैकेनिकल इंजरी टू द कर्ड, जो फूल है उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाना चाहिए इसके अलावा क्लब रोट है प्लाज्मोडीफोरा ब्रेसी की इसके अंदर बनता क्या है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं पहले तो वैसे जो अपर ग्राउंड पार्ट होता है उसमें जो येलोइंग और बिल्टिंग सनी डेज के अंदर शो होती है मतलब जो सूर्य की रोशनी के अंदर इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझाने लग जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं और जो जड़ें होती हैं वहाँ पे क्लब्स बन जाते हैं जड़ों के अंदर मतलब गांठें बन जाती हैं जो कि अलग अलग साइज़ की और अलग अलग शेप की हो सकती है कंट्रोल है सोयल शुड बी एल्केलाइन बिकॉज इन एसिडिक सोइल इट इज प्रीवेलेंट मतलब जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं होनी चाहिए एल्केलाइन होने चाहिए अगर जहाँ पे भी ये बीमारी ज़्यादा लगती है इसके अलावा फॉलो लॉन्ग क्रॉप रोटेशन अगर ये बीमारी आई हुई है तो उस फील्ड में तीन चार साल का गैप रख के ही उस फसल को वापस बोना चाहिए तो क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए इसके अलावा लीव स्पॉट है अल्टरनेरिया एरिया ब्रेसिकोला के कारण स्मॉल ब्लॉक ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स सेम अन डिजीज इज सीन एज वेल एज सोयल बोर्न मतलब जो डिजीज़ है सीड बोर्न और जहाँ सोयल बोर्न है और इसके अलावा इस पत्तियों के ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तने के ऊपर भी दिखाई देते हैं इसका कंट्रोल है बिफोर सोविंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स बीजों को पचास डिग्री गर्म पानी से तीस मिनट तक उपचारित करना चाहिए सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थायरम और कैप्टन थ्री ग्राम पर के जी बिफोर सोइंग बीज को किसी भी फंजिसाइड या कॉपर फंजिसाइड से उपचारित करने के बाद ही बिजाई करनी चाहिए नर्सरी बेड शुड बी स्टरलाइज विथ फॉर्मेल्डिहाइड बिफोर सोइंग जो नर्सरी बेड है उसकी पहले फॉर्मेलिटी से उसे स्टरलाइज करना चाहिए निर्जमीकत करना चाहिए ठीक Thank you.